हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एड्स पे कमीशन को लेकर। दोस्तों, जो नया इंटरव्यू जारी हुआ है और ये दोस्तों जो सरकार के साथ जो मीटिंग थी उसके ऊपर एड्स पे कमीशन को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है। आठवां वेतन आयोग जो है उसके गठन पर अभी सरकार का क्या स्टैंड है उसके ऊपर जो है अभी एक नया इंटरव्यू जारी हुआ है। दोस्तों, हाई कोर्ट का एक बड़ा आदेश है जो कि सभी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ज़्यादा जो है रिलैक्स करने की बात है, जहां पे अब हाई कोर्ट ने जो है क्लियर कट जो है अपने आदेश में निकाल दिया है। और इससे जो है केंद्रीय कर्मचारियों का ना सिर्फ दोस्तों अभी कर्मचारियों का बेनिफिट होने वाला है, हर महीने जो है कहीं ना कहीं जो है हज़ारों में, और अगर हम बात करें साल में तो लाखों का बेनिफिट मिलने वाला है। और दोस्तों, तीसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो आपका ECHS को लेकर। आज की डेट में दोस्तों आप जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख रहे हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है जो भी इश्यूज़ हैं वो है विसंगतियों को लेकर। दोस्तों, हर चीज़ में कहीं ना कहीं विसंगति है। और जैसे कि अभी तक आपने देखा था कि कम्यूटेशन में विसंगति थी, ORP 2 में विसंगति थी, तो इस दौर में दोस्तों विसंगतियों को देखा जा रहा है और उसके ऊपर जो है लगातार काम चल रहा है। हम बात करेंगे दोस्तों ECHS की एक बड़ी खबर, जहां पे ECHS में विसंगति थी और उसको लेकर अभी स्टेप्स उठाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इन सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर वीडियो पर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, सेना में जो भेदभाव वाली बात है, जिसमें कि पहले CSG कैंटीन में बहुत होता था, ऑफिसर्स के लिए अलग लाइन, JCOs OR के लिए अलग लाइन, यही चीज़ दोस्तों इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है अलग से केसेस किए गए, इसके ऊपर आवाज़ उठाई गई। गाड़ियों की खरीद में भी दोस्तों फोर व्हीलर अगर जवान को चाहिए तो उसको जो है कम पैसे का था, इंटरवल जो था वो ज़्यादा था, जो ऑफिसर्स थे वो ज़्यादा बड़ी गाड़ी ले सकते थे, ज़्यादा बड़ा CC का इंजन ले सकते थे। उसी तरीके से दोस्तों अब ECHS में जहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए जो ये हेल्थ सर्विस बनाई गई है उसमें भी दोस्तों अब जो मुद्दा आया है जिसके ऊपर लेटर लिखा गया है वो देखिए दोस्तों, वो है जो आप स्वास्थ्य के लिए हेल्थ के लिए जो है सबका बराबर अधिकार होना चाहिए। अगर ऑफिसर को एक अटेंडेंट मिलता है, अगर तबीयत ख़राब होती है अटेंडेंट चाहिए होता है, उसी तरीके से JCOs जवानों को मिलना चाहिए। अभी जो ECHS की जो स्कीम है वो कंट्रीब्यूशन पे है, और वो कंट्रीब्यूशन भी उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें यह है कि 1,20,000 ऑफिसर्स को देना है, 67,000 जो है JCOs को देना है, और जो जवान है उनको 37,000-32,000 ऐसे कुछ करके देना है। अब ये जो कंट्रीब्यूशन है उसके बेस पे उनको फैसिलिटी मिलती है। अब जहाँ पे जनरल वार्ड है, जनरल वार्ड मिलता है वो जवानों को मिलता है, उसमें अटेंडेंट की या बाकी वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि JCOs OR को मिल रहा है। अब JCOs OR को सेमी प्राइवेट मिलता है, और अगर हम बात करें ऑफिसर्स को, उनको जो है प्राइवेट मिलता है वार्ड। तो इस केस में दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब तबीयत ख़राब है तो पेन सबको एक बराबर है, उनको जो है केयर भी एक बराबर होनी चाहिए। तो अब इसके लिए एक बढ़िया जो है एक इनिशिएटिव लिया गया है, और उसमें कहा गया है कि अगर ये ऑप्शन जो है सबको दिया जाए, अगर सिर्फ और सिर्फ पैसे के ऊपर है तो अगर जवान इसको कर सकता है, इसको जवान उसको जो है वो पैसे दे सकता है, तो इसमें जो है ये ज़बरदस्ती मैंडेटरी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ जवान को जनरल वार्ड मिलेगा। अगर जवान 1,20,000 रुपये दे सकता है तो उनको प्राइवेट वार्ड भी मिलना चाहिए, सेमी प्राइवेट, यानी कि जो अटेंडेंट की सुविधा है, जो रूम की सुविधा है, वो सब पे बराबर अधिकार होना चाहिए। इसमें JCO जवान और ऑफिसर्स में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों एक बड़ी पहल है, और कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है कि इन चीज़ों में सुधार हो, जहाँ पे सबको, क्योंकि अब ये एक्स सर्विस मैन है, इसके बावजूद जो है इसमें जो ये कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट है उसके ऊपर लेटर लिखा गया है कि इसमें जो है सबके पास ऑप्शन होना चाहिए,
क्योंकि कंट्रीब्यूशन पे अगर एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा लेना है और पैसे हैं मेरे पास तो मेरे को भी वो सुविधा मिलनी चाहिए। प्लस जो जनरल वार्ड में है जो जिस तरह की सुविधा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वो नहीं मिल पाता उनको जो है अटेंडेंट का, जहाँ पे अटेंडेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों ECHS के बाद से एक और अच्छी खबर, जहाँ पे एक बार फिर से जो है कमुटेशन पे हाई कोर्ट का आदेश है और ये एक के बाद एक आ रहा है दोस्तों। पहले कमुटेशन पर जो है एक केस किया गया था, उस केस से ये लगा था कि जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ केस किया उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन दोस्तों अब हाई कोर्ट की तरफ से अब हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉई ने जब कम्यूटेशन को लेकर जो है ये केस किया है, जहाँ पे आप जानते हैं दोस्तों कि आज की डेट में कम्यूटेशन की कटौती किसी के पेंशन से 8,000, 10,000, 16,000, 15,000, अगर आप इसको एक साल के कन्वर्ट करें तो लाखों में ये पैसे कट रहे हैं। उसी को देखते हुए दोस्तों अब हाई कोर्ट ने, पहले ये था कि जो पिटिशनर हैं जिन्होंने भी केस किया है उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अब जो ये नया जो हाई कोर्ट का जो फैसला है उसमें बिल्कुल क्लियर कट कर दिया गया है। अगर मैं आपको लाइन पढ़ के बताऊं, इसमें लिखा है टू स्टॉप द रिकवरी, और इसमें रिकवरी को स्टॉप करने के लिए साफ साफ लिखा है, लेकिन एक लाइन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि इसमें उन्होंने लिखा है कि रिकवरी फ्रॉम जो पेंशनर्स, ऑल पेंशनर्स और इंक्लूडिंग पिटिशनर्स, कि जिन्होंने केस किया वो तो ठीक है, लेकिन बाकी सब पेंशनर्स का और स्टेट गवर्नमेंट जिनका कि 10 ईयर्स रिटायरमेंट हो चुका है, तो यानी कि 10 साल के बाद से इसको स्टॉप कर देना चाहिए। तो दोस्तों धीरे धीरे करके इशू ऑफ स्टे ऑर्डर ऑन रिकवरी ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, ये है कोर्ट का आदेश, और ये जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को जो है ये लेटर लिखा गया है, और इसमें क्लियर कट कहा है कि ना सिर्फ जिन्होंने केस किया है उन्होंने, वित्त विभाग को लिखा गया है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, और इसमें क्लियर कट लिखा गया है कि आप जो है ना सिर्फ जिन्होंने अभी केस किया उनका, बल्कि बाकी सब लोगों का भी जो है इस टाइम पे स्टे ले दिया गया है। और आप सोचिए दोस्तों, महीने के जो भी 8,000, 7,000, 5,000 कट रहे हैं वो अब आपके नहीं कटेंगे। अभी ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू नहीं हुआ है, लेकिन जिनके लिए भी लागू हुआ है एक बड़ी खबर है उनके लिए, और आने वाले टाइम में उनको जो है लाखों का फायदा होगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों कोर्ट ने भी माना है कि ये एक्सेस जो ओवर रिकवरी हो रही है इसको रोका जाना चाहिए। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, कम्यूटेशन को लेकर, पूर्व सैनिकों के लिए ECHS की जो फैसिलिटी को लेकर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।